नतीजों से पहले सियासी हलचल तेज। जयपुर में हनुमान मंदिर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पूजा अर्चना की। राजस्थान के रण में जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र और आरएसएस नेताओं से मिली वसुंधरा राजे। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान से मिला वसुंधरा को संदेश। रिजल्ट आने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हुई सुपर एक्टिव। सूत्रों का दावा, बीजेपी आलाकमान से मिले निर्देश पर निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टियों के विधायकों से संपर्क में है राजे। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने 135 प्लस सीटें जीतने का किया दावा। सीएम फेस पर कहा, नतीजे आने के बाद पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा सीएम का नाम। नतीजों से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा। कहा, मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी करेगी भारतीय जनता पार्टी। 24 घंटे के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। कल आएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी। कड़ी सुरक्षा के बीच कल सुबह 8 बजे से होगी मतों की गिनती। राजस्थान में बीजेपी की बड़ी जीत का अनुराग ठाकुर ने किया दावा। कहा, औपचारिकता के लिए केवल नतीजे आना बाकी। मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना तारीख में बदलाव। अब 3 दिसंबर की बजाय 4 दिसंबर को होगी काउंटिंग। ईसी ने कहा, मतदान से पहले ही मिजोरम में मतगणना की तारीख बदलने की मांग हो रही थी। मिजोरम चुनाव की काउंटिंग डेट बदलने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, कहा, एक महीने पहले दलों की अपील पर ईसी रहा चुप, अब क्यों बढ़ाई गई तारीख। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कहा, स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित। सभी स्ट्रांग रूम पर सेंट्रल फोर्स की व्यवस्था। 52 जिलों में मतों की होगी गिनती। सबसे पहले गिने जाएंगे डाक मतपत्र। नतीजे आने से पहले एक्टिव हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शिवराज सिंह चौहान के साथ सिंधिया परिवार से मुलाकात की। दतिया के पीताम्बरा पीठ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर हलचल तेज। एक्टिव हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी। आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 8 सर्वदलीय बैठक बुलाई है। थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी मीटिंग। 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। कैश पर फेरे केस में महुआ मोहिता से जुड़ी अध्यक्ष कमेटी की रिपोर्ट। 4 दिसंबर को लोकसभा में की जाएगी पेश। हो सकता है एक्शन। अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे निरीक्षण। अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को हो रहे आयोजन के लिए करीब 6000 संतों को भेजा गया निमंत्रण। अंतिम चरण में पहुंचा अयोध्या में बन रहे श्री राम एयरपोर्ट का काम। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा, जल्द शुरू हो जाएगी श्री राम नगरी अयोध्या में उड़ान सेवाएं। छत्तीसगढ़ के बारसूर में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। नक्सली साजिश की आशंका। जख्मी दोनों जवान का अस्पताल में इलाज जारी। बेंगलुरु में 48 विद्यालयों में बम की सूचना से मचा हड़कंप। आनन फानन में छात्रों को वहां से बाहर निकाला गया। ईमेल के जरिए बमों के मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। गाजियाबाद में यूपी एसटीएफ ने 3 जालसाजों को किया गिरफ्तार। आरोपी फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का करते थे काम। फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बरामद। पश्चिम बंगाल के बर्धमान के गांव में पहुंचे 100 एटीएम कार्ड। नाम पता सही, मोबाइल नंबर गलत है। ग्रामीणों का दावा, नहीं खुलवाया था बैंक खाता। शिकायत पर कोई एक्शन नहीं हुआ। यूपी के सोनभद्र में धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में 9 गिरफ्तार। आदिवासियों को ईसाई बनने के लिए दे रहे थे लालच। बजरंग दल से जुड़े व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई। बिहार के हाजीपुर में बीपीएससी पास शिक्षक को अगवा कर कराई गई शादी। हथियारों से लैस लोगों ने शिक्षक को अगवा किया। परिजनों का आरोप, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। यूपी के बलिया में पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 पिकअप गाड़ियों से 263 अवैध शराब की पेटी बरामद। 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पंजाब में पटियाला पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 1 करोड़ का सोना चांदी बरामद हुआ। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में चल रहे स्पा सेंटर पर कार्रवाई। 6 स्पा सेंटर पर रेड के दौरान पकड़ी गई 44 महिलाएं, 21 पुरुष पकड़े गए। स्पा की आड़ में चल रही थी जिस फरोशी की दुकानें। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे श्रमिकों के घर पर जश्न का माहौल है। यूपी से लेकर ओडिशा, झारखंड तक परिजनों के चेहरे में खुशी दिखाई दी। घर पहुंचने पर श्रमिकों का स्वागत किया गया। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, सालों से दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हैं सभी रेड माइनर्स। सीएम केजरीवाल ने पूरी टीम को किया सम्मानित। रेड माइनर्स श्रमिकों को किया गया था रिस्क।
दिल्ली में पॉल्यूशन से हवा की हालत खराब है। सिग्नेचर ब्रिज इलाके में बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में प्रदूषण से स्थिति खराब है, उसके आसपास के इलाकों में बड़ा पॉल्यूशन, ड्रोन से ली गई तस्वीर। तमिलनाडु के त्रिवल्लूर में बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, पुझल लेक में सीमा पार पहुंचा पानी। लगातार बारिश से हाईवे पर जल भराव हुआ, ट्रैफिक की रफ्तार थमी, लोगों को हो रही है परेशानी। तमिलनाडु के कांचीपुरम में झीलों से छोड़ा जा रहा पानी, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश से बड़ी मुश्किलें, जल स्तर बढ़ने से मुश्किल हुए हालात। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ताजा बर्फबारी की चादर दिखाई दी, बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। स्थानीय अधिकारियों और पर्यटकों के आने के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, बर्फबारी के चलते मुगल रोड पर यातायात पूरी तरह से बाधित। रोड बंद होने से पुंछ और राजौरी के लोगों को खासा परेशानी, बर्फ हटाने का काम शुरू। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ की जमी मोटी परत, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फबारी के चलते आवाजाही बंद की गई है, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। लद्दाख के जोजिला दर्रे पर जमकर हो रही बर्फबारी, बीकन के कर्मचारी बर्फ हटाने के काम में जुटे। बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह राजमार्ग अगली सूचना तक बंद रहेगा, मार्ग बंद होने से बढ़ी परेशानी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, 41 श्रमिकों को बचाने में रेड माइनर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इन्होंने सही मायनों में दिल्ली और देश का नाम रोशन किया।